कृषि जागरण के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं जिमी। तो शुरुआत करते हैं आज खेती की उस खबर से जो महिलाओं को सशक्त बना रही है। जी हां, हम बात करेंगे बिहार के एक भागलपुर जिले के शीतलपुर गांव में, जहां आदिवासी महिलाओं ने खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। यहाँ की लगभग 150 महिलाएं बिना खेत के ऑयस्टर और बटन मशरूम उपजाकर अपनी जिंदगी सवार रही हैं। इन महिलाओं को सशक्त बनाने में कृषि विज्ञान केंद्र सबौर की वैज्ञानिक अनीता कुमारी अहम भूमिका निभा रही हैं। अनीता ने पहले गांव की लगभग 20 महिलाओं को वैज्ञानिक विधि से मशरूम उत्पादन का ट्रेनिंग दी और उनके उपरांत ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन शुरू किया। उत्पादन होने के बाद मानो सभी को नई दिशा मिल गई। एक एक करके गाँव की लगभग 125 महिलाएं इस खेती के व्यवसाय से जुड़ गए। महिलाओं ने प्रशिक्षण को सही इस्तेमाल करते हुए बटन मशरूम का भी उत्पादन शुरू कर दिया, जिससे उनको अच्छा मुनाफा होता है। महिलाओं के अनुसार मशरूम बेचने में उनको बाजार की दिक्कत नहीं आती है और ऑयस्टर मशरूम की बिक्री जहां 150 रुपए किलो होती है, वहीं बटन मशरूम की बिक्री 250 रुपए प्रति किलो तक है। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। तो आजकल फूलों को संरक्षित करना भी एक अहम कार्य है। तो खेती से इतर अगर एक फूल की बात करें तो उत्तराखंड के चमोली में एक कुदरत का करिश्मा देखने को मिला है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाला सफेद बुरास का फूल जोशीमठ ब्लॉक में समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सेलंग गांव में खिल रहा है। इन दिनों भी इस पेड़ के आसपास का पूरा क्षेत्र लाल बुरास की लालिमा बिखेर रहा है। विदित हो कि सफेद बुरास समुद्र तल से 2900 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई तक खिलता है, लेकिन सेलंग का यह सफेद बुरास पिछले कई सालों से उत्सुकता जगाता आ रहा है। देश में इतनी कम ऊंचाई पर सफेद बुरास कहीं भी नहीं खिलता। यह ऊंचाई सिर्फ लाल बुरास के लिए मुरीद है, लिहाजा इस दुर्लभ पेड़ को संरक्षित किए जाने की जरूरत है और वन विभाग को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। यह सफेद बुरास रोडोडेंड्रॉन कैम्पेनुलेटम प्रजाति का है। सामान्य तौर पर सफेद बुरास के फूल 8 से 10 दिन तक खिले रहते हैं। कई जगह देर से बर्फ पिघलने पर यह देर से भी खिलता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार उनको लाभान्वित करने के लिए अक्षय चक्र योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसकी तैयारी उद्यानिकी विभाग के द्वारा कर ली गई है। इस योजना से ऐसे किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है जो बेहद कम रकबे में सब्जी की खेती करते हैं। उनकी सब्जी बाड़ी का नई तकनीक से जीर्णोद्धार किया जाएगा। जिले के सभी इलाकों में ऐसी सब्जी उत्पादक किसानों की खोज कर ली गई है और उनके लिस्ट तैयार की जा रही है। एक अच्छे चक्र में 16 घेरे बनाए जाएंगे। संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र में बनाने वाले हर घेरे में वेजिटेबल वेस्ट, हाउस वेस्ट, ट्री वेस्ट, गोबर और राख भरा जाएगा। इस वेस्ट के ऊपर मिट्टी की एक मोटी परत बिछाई जाएगी, बाद में उसके ऊपर सब्जी की खेती की जा सकेगी। एक फसल चक्र पूरा कर लेने के बाद इस घेरे में दबा वेस्ट फिर से निकाला जाएगा और इसे खेतों तक खाद के रूप में पहुंचाया जाएगा। यह प्रक्रिया साल में एक बार करनी होगी, मतलब साफ है कि वेस्ट का उपयोग 2 बार खाद के रूप में किया जा सकेगा। आखिर में अब बात करेंगे महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री लीडरशिप अवार्ड 2019 की। डॉक्टर ईए सिद्दीकी को कृषि के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए महिंद्रा समृद्धि कृषि शिरोमणि सम्मान लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें धान की फसल बासमती और गैर बासमती दोनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान हेतु दिया गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर पवन गोयनका ने कहा कि महिंद्रा एग्री विलेज प्रोग्राम के तहत हमने 50 से अधिक गांव के साथ मिलकर काम किया है। हमारा मानना है कि ये हस्तक्षेप परिवर्तनकारी है और इनसे फार्मिंग 3.0 को आवश्यक गति मिलेगी, जिससे देश में कृषि प्रौद्योगिकी समृद्ध बढ़ेगी। अब तक इन अवार्ड्स में 3.8 लाख से अधिक किसान हिस्सा ले चुके हैं।